बीबियां खुले सर हैं, मिजाज में शराफत थी, मुंह को मोड़ लिया। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, यही सोचता हुआ चला था राहिब कि इस काफिले में कोई मर्द हो तो उससे बात करे। देखा एक जवान खड़ा है कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, अरे पैरों में बेड़ियां हैं, अरे तो गले में तौके खारदार है ये, और ये जवान सजदे शुक्र कर रहा है और कह रहा है ए अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्रिया। आपने पहचाना कि ये कौन था? ये मेरा मजलूम इमाम इमाम सज्जाद था, ये मेरा मजलूम इमाम इमाम सज्जाद था। अज़ादारो राहिब वहीं पर जाकर बैठ गया कि इस जवान का सजदा तमाम हो तो कुछ बात करे। इमाम का सजदा तमाम हुआ, इमाम ने सर उठाया, कहा ए राहिब ये रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, तू अपने बिस्तर पर जाकर क्यों नहीं सोता, यहाँ पर क्यों बैठा है, यहाँ पर क्यों बैठा है? राहिब ने कहा ए जवान ये रात अल्लाह ने फकत हमारे लिए ही आराम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी आराम के लिए बनाई है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारे काफिले में तो कोई आराम से है ही नहीं, अरे कोई सर पीटता है, अरे कोई सीना पीटता है, अरे कोई रोता है। राहिब ने कहा इमाम ने जंजीरों में बंधे हाथों से जख्मी सर को उठाया, ए राहिब अरे जिसका चैन लूट लिया जाए अरे वो चैन से कैसे रह सकता है। राहिब बहुत रोया कि बेहोश हो गया। अब जो होश में आया तो कहा मुझे आप बता दें कि आप कौन हैं। अभी राहिब ने सवाल ही किया था कि पीछे से आवाज़ आई राहिब तुझे हुसैन का सलाम, राहिब तुझे हुसैन का सलाम, राहिब तुझे हुसैन का सलाम। अब जो राहिब ने पीछे मुड़कर देखा अरे नोके नेजा पर सर बुलंद है और सर के लब हिल रहे हैं और सर से आवाज़ आ रही है राहिब तुझे हुसैन का सलाम। राहिब दौड़ कर गया सर के सामने, हाथों को जोड़ कर खड़ा हो गया, अरे ये किसका सर है कि जो कटने के बाद भी बोल रहा है। राहिब इतना रोया कि बेहोश हो गया। 10,000 दरहम में राहिब ने खूनी से उस सर को खरीदा। सर लेकर राहिब देर के अंदर गया, पत्थर पर जाकर सर को रखा, रुमाल से सर को साफ किया। अभी सर को साफ ही किया था कि सर से आवाज आई राहिब अपनी आंखें बंद कर ले। राहिब कहता है कि मैंने सुना कि ऐसा लगा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को चीखें मार कर रो रही हो और कह रही हो ए मेरे लाल हुसैन तुझे इतनी मेहनतों से पाला था, अरे जालिमों ने तुझे इतनी बेदर्दी से कत्ल करा।